का शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस सभा में हमारे सर्व प्रमुख पूरे शिविर के और जिन्होंने तत्व ज्ञान का रसपान कराया ऐसे आदरणीय पंडित श्री रजनी भाई जी, उनसे निवेदन कर रहे हैं। कृपया वो मंचासीन होवे, करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं क्रम से विद्वानों में ही जो हमारा इतना बढ़िया रत्नत्रय विधान हुआ और उस विधान को पूरी तरह से समर्पित होके नए नए रूप में बहुत अच्छा विधान कराए हमारे विधानाचार्य पंडित अश्विन भाई, इनको भी मैं मंच पर बुलाना चाह रहा हूँ। वो भी यहाँ पर आवे। कहाँ गए भाई अश्विन भाई? चलो आ जाएंगे भाई। इसी के साथ ही जो इस शिविर के तीन आमंत्रण करता हैं उनको मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्रीमान प्रकाश जी साहब, उनसे निवेदन है कृपया मंचासीन होवे, हम तालियों से उनका स्वागत करते जाएंगे। और इसी के साथ ही अगले आमंत्रण करता हमारे डॉक्टर संजय जी शाह, डॉक्टर संजय जी जैन साहब पधार रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और तीसरे आमंत्रण करता हमारे श्री केसरीमल जी साहब, उनसे निवेदन है। और साथ में हमारे प्रमोद जी भाई साहब, हाँ पंडित श्री प्रमोद जी जैन जी पधारिए, नहीं आइए आइए आइए। और इसी कड़ी में मैं मंचासीन करना चाहता हूँ हमारे आगे। हाँ जी अश्विन भाई यहाँ पर पधारें, उनका भी हम स्वागत करते हैं, तालियों से स्वागत करें। कुर्सी दो ले आओ, हाँ दोनों ले आओ। हमारे ध्रुवधाम संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान महिपाल जी गायक से भी निवेदन करता हूं, वो भी यहां पर मंचासीन हो गए। और एक नाम और जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि नाम तो बहुत हैं, सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारे बागड़ एरिया के संयोजकों की भावना इस तरह की है कि मंच पर आदरणीय मुकेश जी गायक को भी बुलाया जाए, इसलिए हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कृपया मुकेश जी गायक भी यहाँ पर मंचासीन हो गए। लगता है वो अपनी ड्यूटी में पहुँच गए, लगातार लगे रहते हैं हर जगह और सब तरफ का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने शुरू से अंत तक पूरा सम्मेलन में सहयोग किया है, इसलिए उनसे भी निवेदन कर रहे हैं। मुझे लगता है वो पीछे पहुँच गए हों। एक जन जाओ ना, एक दो जन। अर्पित, सौरभ, मुकेश जी भाई सबको बुला के हमारे जो अतिथिगण यहाँ पर पधार चुके हैं उनके स्वागत के लिए अंगवस्त्र और माल्यार्पण द्वारा हमारे श्रीमान सुमतीलाल जी साहब और पंडित आकाश जी शास्त्री, उनसे निवेदन करता हूँ कृपया वे यहाँ पर पधारें और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
हमारे इस बागड़ एरिया के इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पंडित श्री रीतेजी शास्त्री से भी निवेदन है, हमने बार बार कहा वो मना कर रहे हैं, लेकिन सबकी भावना है, आपने पूरा इस कार्यक्रम को संभाला है, इसलिए आप भी यहाँ पर पधारें। स्थानीय विद्वान और पंडित संदीप जी, उनसे भी निवेदन करते हैं कृपया वे भी यहां पर मंचासीन होवें। आइए संदीप जी, आइए ना, अरे हमारे सतीश जी का भी स्वागत करते हैं और एक और हम चाहते हैं, एक भावना और है हमारे महिला वर्ग से, श्रीमती पूजा जी का भी हम अगत अभिनंदन करना चाहते हैं। सीमा भाभी से निवेदन है, सीमा भाभी से निवेदन है कृपया उनका अंगवस्त्र और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। जरूरी है, आपने जो मेहनत की है वो लाजवाब है, बहुत गजब है। आपने इस पूरे शिविर में पूरा माहौल बना दिया, एक नए तरीके से सब तरफ से फीडबैक आ रहे थे, तैयारियां ऐसी हुई जैसे पंचकल्याणक की तैयारियां चल रही हों, आपने बहुत बढ़िया माहौल बनाया है। और आपके साथ ही, आपके अंदर ही समझ लो आपकी पूरा महिला मंडल समाहित है, पूरे महिला मंडल का भी स्वागत इसी में हो गया, सभी हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। और अब हम इस कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे दाहोद से पधारे पंडित श्री विधानाचार्य और बहुत बड़े विद्वान और हम सबके प्रिय आदरणीय राकेश जी भाई साहब, उनसे निवेदन करते हैं मंगलाचरण के द्वारा मंगलमय शुरुआत करें। भाई साहब, नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं।
जो समय सार की धूम मची, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ लाइनें जो बहुत पहले यहीं पर गुंजा करती थी और फिर गुंजने लग गई अचानक, वो कुछ बातें याद आई, वही बोल रहा हूँ। मंगलाचरण में पंच परमेष्ट को याद कर ही लिया है। मैं हूँ ज्ञायक, मैं हूँ ज्ञायक, ज्ञायक मेरा रे। मैं हूँ ज्ञायक, मैं हूँ ज्ञायक, ज्ञायक मेरा रे। ज्ञान में जनाय सहज गेय मेरा रे। मैं हूँ ज्ञायक, मैं हूँ ज्ञायक, ज्ञायक मेरा रे। ज्ञान में ज्ञायक अहो, ज्ञान में ज्ञायक अहो, प्रतिपल की आरगा, प्रतिपल की आरगा। ज्ञेयो की रुचि से नहीं, ज्ञेयो की रुचि से नहीं, अहो ज्ञायक दिखारगा, अहो ज्ञायक दिखारगा। सौभाग्य रूप अनुभव रूप सुज्ञायक मेरा रे। मैं हूँ ज्ञायक, मैं हूँ ज्ञायक, ज्ञायक मेरा रे। मैं हूँ ज्ञायक, मैं हूँ ज्ञायक, ज्ञायक मेरा रे। पूरे प्रवचन का सार मैं हूँ ज्ञायक, ज्ञायक मेरा रे, ऐसी उत्तम भावनाओं के द्वारा आपने यहाँ पर मंगलाचरण करके मंगलमय प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रत्नत्रय विधान, तीन दिन का, तीन दिवसीय रत्नत्रय विधान। रत्नत्रय को उत्पन्न करने की भावना को पैदा करने वाला ऐसा हमारा यह रत्नत्रय विधान था। और वह रत्नत्रय परिपूर्ण रूप से किन में है, किन में है? पर्याय रूप में यदि बात करें तो अरहंतों में है, सिद्धों में है। और ऐसा ही अगले वर्ष के लिए उस रत्नत्रय की पूर्णता जिनको प्राप्त हो गई है, ऐसे तीर्थंकर, और वो भी कितने, एक नहीं दो नहीं, कितने, 170 तीर्थंकर विधान अगले वर्ष होने वाला है। ऐसी भावना आदरणीय रजनी भाई जी ने यहाँ पर व्यक्त की है। और उसके अंदर भी कितना गजब का विषय है जो हमारे लिए उपयोगी है, उसकी चर्चा तो उस समय होगी ही। और अभी हमने जो तीन दिन तक विशेष लाभ लिया, वास्तव में यह कार्यक्रम, तीन दिन का कार्यक्रम हमारे लिए वो ऊर्जा दे के जा रहा है जो हमें आगे भी लगातार उसको बनाए रखना है, उसको मेंटेन रखना है। आदरणीय संस्था के अध्यक्ष कई बार ऐसी चिंता करते थे कि कौन इसको और थोड़ा इस संस्था को और ऐसी युवा जागृति मिले, सब लोग संभाल लें, मिलकर चलें, क्योंकि अभी सारा बोझ उनके ऊपर आ रहा था। और एक तरफ शिखर जी भी है, इधर भी है, सब तरफ है, तो ऐसा लग रहा था कि और कोई पीढ़ी, आगे की पीढ़ी सामने आए। तो इससे जो विधान का हमें इतना अच्छा नज़ारा मिला है कि वास्तव में उनके ही मार्गदर्शन में, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी अब एकदम जागरूक हो गई। इस बागड़ एरिया में जो 45 लगभग शास्त्रीय विद्वान हैं जयपुर के और ध्रुवधाम के मिलाकर, उन सब ने एक मिलकर विचार किया, कुछ मीटिंग ली, परस्पर में चर्चा की और एक छोटा सा लघु कार्यक्रम मिलन समारोह का 19 जून 2022 में
19 जून को एक छोटा सा लघु कार्यक्रम रखा जिसमें सबका पहले तो सिंगल सिंगल इकट्ठे हुए, उसके बाद में एक दिन का और एक कार्यक्रम रखा 2 महीने का गैप करके, फिर उसमें भी एक दिन के कार्यक्रम में इकट्ठे हुए, टीम बनती गई, माहौल बनता गया और फिर प्लान ऐसा हुआ कि अब 3 दिन का एक अच्छा कार्यक्रम रखा जाए और सारा वो सब मिलके कमेटी और उसके साथ में मार्गदर्शन हमारे आदरणीय महिपाल जी का रहा और सभी ने मिलकर हमारे जो युवा विद्वान हैं जिनमें हमारे सबके मुख्य संयोजक तो हमारे आदरणीय रितेश जी भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, माने उनकी मेहनत उनकी लगन शुरुआत से ही एक के बाद एक, यहाँ तो ऐसा है मैं सब कि अंदर की बात बताता हूँ, माहौल तो ऐसा है कि एक बार फ़ोन करो, 2 बार फ़ोन करो, 3 बार कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बार बार फ़ोन करो, बार बार फ़ोन करो, लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, लगातार फ़ोन करते रहे, मैसेज करते रहे और इतने से भी नहीं माने तो घर घर जाके आए, पूरे गांव-गांव में घूमे और उनके घर पर जाकर निमंत्रण देकर आए, तो उससे माहौल बना, उसका रिजल्ट हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये सब सारी मेहनत आदरणीय रितेश जी भाई साहब की है और उनकी पूरी टीम, हमारे आकाश जी भाई साहब बैठे हैं, संदीप जी हैं, धर्मेश जी हैं और भी अनेक विद्वान, प्रमोद जी भाई साहब जो यहाँ इस कार्यक्रम के आमंत्रणकर्ता भी हैं और इस कार्यक्रम को जागरूक करने के लिए, इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए भी घर घर जाकर उन्होंने निमंत्रण दिया। और इतना ही नहीं, हमारे अश्विन जी तो ऑलराउंडर, हर जगह विधान में हो चाहे प्रतिष्ठाएं करा लो, जो जो भी सब दृष्टियों से, और गला भी अच्छा, कौन सा गॉड गिफ्ट कहें ये तो गॉड गिफ्ट कहेंगे और वो गिफ्ट गॉड था, गिफ्ट में गॉड, उनके पास इतनी अच्छी गॉड गिफ्टेड अच्छी आवाज़ मिली है और कर्म के अनुसार कहें तो सुस्वर नाम कर्म का उदय है एक कर्णानुयुक्ति भाषा में, तो बहुत अच्छा उनका लाभ यहाँ मिल रहा है। और सिर्फ गला ही नहीं है, बहुत क्वालिटी है ये, धीरे धीरे, अभी तो ये 3 दिन का कार्यक्रम था, कितना अच्छा कार्यक्रम भी बीच में कराया श्रावक श्राविका सभा, माने उससे कितना लाभ मिला, इस बहाने अनेक लोग जुड़े, शास्त्री विद्वान उनकी धर्म पत्नियाँ भी उससे कनेक्ट हुई और विधान के माध्यम से भी, कार्यक्रमों के माध्यम से भी उन्होंने निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जान डाल दी है। ऐसे हमारे अश्विन भाई जी का भी हम सभी मिलके करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ऐसे इस प्रसंग पर आमंत्रणकर्ताओं ने भी हमें विशेष सहयोग दिया ही है, क्योंकि क्योंकि शुरुआत कोई भी हमें बड़ा काम करना है तो जब तक कोई निमंत्रित ना करे, आमंत्रित ना करे और उसको कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए अपना सहयोग ना दे तो काम बनता नहीं है। ऐसे हमारे तीनों आमंत्रणकर्ता, हमारे श्रीमान प्रकाश जी साहब जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की कि भाई आप तो कार्यक्रम करो और हम आपके साथ हैं, दूसरे हमारे आमंत्रणकर्ता श्रीमान केसरी मल जी साहब और उनके सुपुत्र प्रमोद जी भाई साहब, उन्होंने तो उनकी भावनाएं तो क्या गजब की कि अभी और अगले वर्ष का भी, अभी से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम अगले वर्ष भी आमंत्रण करता है। और तीसरा नाम मैंने बाद में इसी लिया, वैसे संजय जी का नाम मैं पहले लेने वाला था लेकिन इसी लिया क्योंकि उनका नाम लेते ही हमारे यहाँ हलचल मच जाती है तो उन्हें हलचल बाद में मचने दो, हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय जी शाह, देख मच गई, नाम लिया हलचल, ये तो नाम लिया तब मची, यहाँ तो बस हिंट भी कर दो ना, जानते हो उनको, तीनों पीढ़ियाँ डरती हैं, भूतकालीन पीढ़ियाँ जितने आए हैं अभी यहाँ पर शास्त्री विद्वान बैठे हैं सब, अभी प्रीतम जी और सब पूछ लो, संजय जी का बहुत उन्होंने लाभ लिया है सबने अच्छे से, कहाँ कहाँ लिया है वो जाने, माने पढ़े कैसे पढ़ें, माने वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल, ये शुरुआत तो होती है वहीं से और वो संस्कृत का आई और ऋण लेके ओंग आई और छाय बरटलण यहाँ से शुरुआत वो कराते हैं, वहाँ तो आई ओण, यहाँ आई ओण होता है और वहाँ आई ओण ऐसा भी होता है, लेकिन सब याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है और उनकी योग्यताएँ तो 10 विषय में MA PhD NET क्या नहीं है, माने सारी हर विषय में डिग्री और आजकल तो गजब का स्वाध्याय
अब तो उन्होंने कह दिया है कि मुझे ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब नहीं है। अपने गांव में परतापुर में 70 से 80 लोग उनकी स्वाध्याय की सभा में बैठते हैं और गजब का माहौल उन्होंने बना रखा है परतापुर में, और भी दो जगह है ना, अर्थुना में भी और गढ़ी में भी, और मुमुक्षु नहीं है कोई। माने उन सब के बीच में प्रोजेक्टर द्वारा बहुत बढ़िया तत्वार सूत्र की कक्षा, 10वां अध्याय 10वां चल रहा है, हो गया 10वां अध्याय हो गया है, पूरा तत्वार सूत्र उन्होंने उन सब के बीच में पढ़ा है। बीच बीच में तो अपने महाराज जी भी वहाँ पर पधारे थे, उनको भी उन्होंने संस्कृत की कक्षाएं लेके महाराज जियों के बीच में उनको भी संस्कृत क्लासेस ली और उनको भी बहुत मतलब कर्मठ। आप कुछ बोल, देखो जहाँ सभा लगती है वहाँ प्रवचन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जाना और वहाँ से वर्ल्ड कप जीत के आना वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ कहीं भी खोद लो, आप कहीं भी खोद लो, 70-80 फुट पानी, मीठा पानी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ अरबी समुद्र में जाओ और वहाँ खोद के मीठा पानी निकालना, ये इनके लिए एक बार जोरदार ताली बनती है। और इस वर्ष के तो आमंत्रणकर्ता थे ही, अगले वर्ष के भी आमंत्रणकर्ता के रूप में उन्होंने नाम लिया है। बहुत पवित्र भावनाएं हैं ध्रुवधाम के लिए, तो क्या नहीं, वो जब चाहें तब क्लास के लिए कहो आ जाते हैं दूर दूर से, इतने किलोमीटर से, और उनको लगता है ये विद्यार्थियों का कैसे भला हो, कैसे तैयारी करें, और ऐसी उनकी भावना निरंतर रहती है। उनका भी बहुत बहुत आभार है सभी का। हमारा ये 3 दिन का कार्यक्रम सुबह से लेके पूरा रात्रि तक बहुत बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, इसमें प्रवचन भी हुए, प्रवचन के अलावा विधान तो था ही, और बीच बीच में एक और इस वर्ष वास्तव बांसवाड़ा में कुछ हलचल ही मच गई है। एक तरफ पूजा जी मिल गई बांसवाड़ा में, मैंने इसके पहले महिला मंडल, बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही मुझे जो जानकारी है, महिला मंडल क्या था मैंने तो नाम भी नहीं सुना था कि कोई महिला मंडल नाम की चीज़ है, लेकिन अब वो महिला मंडल इतना बढ़िया तैयार हो गया, 50-50 महिलाएं, मतलब एक साथ कब बुलाना है, ज्ञानवर्धनी नाम रखा है महिला मंडल का, नाम ज्ञानवर्धनी, और वो महिला मंडल ऐसा जागरूक किया है कि 50 महिलाएं यदि एक फोन करें वो एक मैसेज डालें, अब तो फोन करने की जरूरत नहीं, मैसेज डाला वो तैयार, आज ग्रीन कोट, आज येलो कोट, आज ये कोट, तुरंत तैयार होके आ जाते हैं। क्या करना ध्रुवधाम में, इस बार देहवन में भी उन्होंने तैयारियां, कुछ ये लगाना, स्लोगन लगाना, वहाँ रंगोली बनाना, ये सारा बहुत काम उन्होंने, तो और भी बहुत कुछ कहने को करने को कहा था, लेकिन अब सोचा इतना सजाने में ज़्यादा समय ना लगाएं, अपन स्वाध्याय में और अपने को सजाने में समय लगाएं, ऐसी भावना है। और पूरा महिला मंडल जागरूक है, और बच्चे वहाँ ध्रुवम पाठशाला की शुरुआत हुई बांसवाड़ा में, ये भी सब अभी सब 6 महीने साल भर का भी है काम नहीं है, इतने में बच्चे वहाँ जब भी पाठशाला चलती थी 5, 7, 8, इतने से ज़्यादा हमने नहीं देखे कभी। हमने जैसे कभी यहाँ के विद्यार्थी भेजे वहाँ पढ़ाने के लिए, यहाँ से गए तो वहाँ भी इतने 5, 7, 8, 10, 12, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं। अभी कितने हैं, 36 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और गजब की बात तो है मुमुक्षु नहीं है, मुश्किल से 7-8, और फिर अब खींचे चले जा रहे हैं, ऐसा आकर्षण पैदा हुआ है कि सब तरफ से लोग आ रहे हैं इस शिविर में भी, और वो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी खींचे चले जा रहे हैं। अभी यहाँ पर भी शिविर में बच्चों की जिद से कि हम तो वहाँ जाएंगे, और हम जाएंगे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, ऐसा माहौल बन गया कि वे भी इधर आए और उन सब ने यहाँ पर लाभ लिया है। बहुत अच्छा माहौल, सुखद संकेत है हम सबके लिए, बहुत अच्छा ही अपना कार्यक्रम हुआ है 3 दिन तक, और आगामी काल में भी लगातार अब हम इस तरह के कार्यक्रम में बने रहेंगे, मिलते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे। इसमें मुझे कार्यक्रम
आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। मंचा सिंह विद्वत महानुभाव, आदरणीय पंडित रजनी भाई जी जैन साहब, सम्माननीय अश्विन भाई, ट्रस्ट अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब, कार्यक्रम के आमंत्रणकर्ता श्रीमान प्रकाश जी, केसरीमल जी और डॉक्टर संजय जी साहब, भाई प्रमोद जी, मेरे स्नातक साथीगण, समस्त साधर्मीजन, इस कार्यक्रम की गर्भावस्था क्या थी और यह कार्यक्रम किस रूप में प्रस्तुत हुआ, ये सब आपने आंखों देखा है, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे किसी विद्यालय में या किसी महाविद्यालय में जिसका पिता पढ़ा हो और उसके बेटे और उसके पोते भी उसी विद्यालय में पढ़ें, उस यूनिवर्सिटी, उस महाविद्यालय की सफलता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि वो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और विद्यालय कितना सफल है। अन्यथा तो जो पढ़ के आता है वो यही कहता है, उस विद्यालय में मत जाना, हम पढ़ के आए हैं। ठीक ऐसे ही जैसे ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष के जो आमंत्रणकर्ता हैं, तीनों के तीनों वही आमंत्रणकर्ता अगले कार्यक्रम के आमंत्रणकर्ता बने हैं। आदरणीय केसरीमल जी साहब, भाई प्रमोद जी के मार्गदर्शन से भाई डॉक्टर संजय जी और प्रकाश मामा जी के मार्गदर्शन में उनके साढ़ू साहब के बैठे विपुल जी, इंद्र प्रकाश जी, पुनर्वास कॉलोनी से, ये इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं तो वो सोच सकते हैं कि हमारी राशि का कोई दुरुपयोग हुआ तो हम दोबारा क्यों दें। लेकिन तीनों दिनों की कार्यक्रम की सफलता, यदि इस कार्यक्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम में कहीं कुछ कमी हुई है, सफलता है तो वो हमारी सारी टीम को है, और मिनट टू मिनट कार्यक्रम में यदि कोई कमी हुई है तो वो मेरी व्यक्तिगत है कि उस मिनट टू मिनट कार्यक्रम में हम कहीं ना कहीं वंचित रहे हैं, उसमें वो पूरा नहीं कर पाए। खैर, बस एक ही भावना है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो हम तक ही सीमित नहीं रहे। वो मेरे वागड़ क्षेत्र के मेरे अनुज अग्रज, मेरे स्नातक साथी हैं, वो वहीं तक सीमित नहीं रह जाए, नहीं तो वो पूरे देश भर की जैन समाज का जो पैसा, जो अर्थ तो मिल जाएगा, लेकिन जो ज्ञान, जो आदरणीय डॉक्टर साहब और अनेक अनेक गुरुजनों का जो ज्ञान, उनका जो उपयोग हमारे पीछे लगा है, वो सिर्फ हम में ही खत्म नहीं हो जाए, वो जन जन तक पहुँचे, वो हमारे क्षेत्र में पहुँचे, बस इसी भावना से इस कार्य को करने का सोचा गया है। और सोचने के साथ साथ हमारे सभी स्नातक साथियों का सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहता है, इसलिए इस कार्यक्रम के इस पायदान तक हम पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर, जैसा अभी डॉक्टर प्रवीण जी बता रहे थे, हम फोन से संपर्क करें लेकिन फोन नंबर कहाँ से लाएं, हम कैसे संपर्क करें। इस पूरी लिस्ट को यदि पूर्ण रूप से साधर्मियों की, स्नातकों की, पूरे वागड़ क्षेत्र की, बांसवाड़ा शहर की, खांदू कॉलोनी की पूरी लिस्ट को अल्फाबेटिकल जमा करके प्रस्तुत किया है आदरणीय सुमती लाल जी भाई साहब ने, जिन्होंने बहुत मेहनत करके लगभग हम 6 महीनों से इस पूरी लिस्ट को बनाने के लिए घूम रहे थे, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। पूरी रफ लिस्ट बना करके
मैंने सुमती लाल जी को सुपुर्द की और उन्होंने, मैंने सिर्फ बात की और उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। उनके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हैं कि इस कार्य को उन्होंने बहुत सफलतम तरीके से किया। इस कार्य हेतु प्रत्येक घर पर, जिनके पास हमारे मोबाइल नंबर थे, प्रत्येक को फोन मैंने स्वयं ने, फिर ट्रस्ट से डॉक्टर प्रवीण जी के निर्देशन में भाई उमंग जी ने और संस्था अध्यक्ष भाई साहब महिपाल जी ने, और जहां हम नहीं पहुंच सकते थे, बात बीच में कर दूं कि जिनके हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं थे और जब हम मीटिंग में बैठे थे तो सहज ही मेरे मुंह से निकला कि हम फोन से या ऐसे निमंत्रण देने जाएं, इससे अच्छा क्यों ना हम गांव-गांव जाकर साधर्मी जनों को निमंत्रण दें। भाई प्रमोद जी ने सहर्ष स्वीकृति दी। इस अवसर पर मैं भाई धर्मेश जी को नहीं भूलना चाहूँगा। धर्मेश जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भाई आकाश जी, भाई अश्विन जी और प्रमोद जी, जिन्होंने अपना पूरा समय और अपना वाहन, भाई प्रमोद जी ने हर हमेशा प्रतिदिन लगभग हम सप्ताह भर सब गांवों में गए और जो जो साधर्मी जन हमारे संपर्क में थे उनसे हमने निवेदन किया और उसी का नतीजा परसों वीरेंद्र जी भाई साहब बोल भी रहे थे कि पंडित जी साहब आप घूम रहे हो, हमें तो नहीं लग रहा था कि इसका कुछ असर होगा, लेकिन उन्हीं के शब्द थे कि आप जो घर घर गांव गांव गए उसी का असर है कि ऊपर जिनालय और नीचे का स्वाध्याय भवन हमारा छोटा लगने लगा। निश्चित रूप से प्रचार की, मैनेजमेंट की एक, मैंने शास्त्री किया है, कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हूँ मैं भी, लेकिन एक थीम है कि यदि किसी को बुलाना है तो जाओ, टेलीफोन करो, दोबारा नहीं आता है, दो बार गए नहीं आता है। मेरे कई ऐसे स्नातक साथी हैं, नाम नहीं लूँगा, कई मेरे ऐसे स्नातक साथी हैं, निरंतर टेलीफोन से संपर्क होता रहता है, हो सकता है किसी कारण से नहीं आए हों। एक तो मेरा मित्र है, मैं अभी 4 दिन से फोन कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा है। उसको पता है कि अब मैंने फोन उठा लिया तो भाई साहब क्या कहेंगे। मैं कह सकता हूँ उसको, वो मेरा अनुज है, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है और उसने संदेश भेजा है उसके साथी के साथ। तो जब तक हम घर घर जा कर के, जो हमारे साधर्मी जन है, वो साधर्मी जन, ये कोरोना काल हमसे बहुत दूर ले गया कोरोना काल, और हम ऐसे सब साधर्मी जनों को एकत्रित करके जो तत्व की ज्ञान है, और कोई प्रयोजन नहीं है ना ट्रस्ट का ना हमारा, और कोई उद्देश्य नहीं है, ना तो अर्थ इकट्ठा करना है ना हमें और कोई प्रसिद्धि चाहिए, एकमात्र ये उद्देश्य है कि मैं एक गायक हूँ, ये बात जन जन तक पहुँचे। जो दो आज हमारे भाई साहब ने अपना तन मन और धन समर्पित करके, जिसे जब इसकी स्थापना हुई तब से ही मरुस्थल मरुस्थल इसे कहा जाता रहा है, तो ये अब किस बात का मरुस्थल, जहां 125 स्नातक यहां से जब शास्त्री कर चुके हैं, जब ज्ञानाराधना कर चुके हैं, तो अब किस मायने में वह मरुस्थल, कैसे मरुस्थल कहा जा सकता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे कुएं हर गांव गांव, हर शहर शहर, हर राज्य राज्य में ऐसे अमृत रूपी कुएं हो गए हैं, तो ये कुएं जो स्नातक रूपी जो अमृत के सोते हैं, वे हर जगह 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 इसका अमृत पान कराएं, बस मात्र एक यही भावना है और उसी भावना को अंजाम दे रहे हैं। आदरणीय भाई साहब से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे स्नातक साथी हैं भाई सुदीप जी, घाटोल में वे अपना नियमित स्वाध्याय करते हैं और कराते हैं। ऐसे ही हमारे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर संजय जी के बारे में अभी आपने सुना ही, वे वहाँ पर वे स्वयं का अपना करते हैं और समाज को लाभान्वित करते हैं। ऐसे मेरे भूतपूर्व स्नातक, मेरे स्टूडेंट जो यहाँ के ही हैं, ध्रुवार्थी जो हैं, वो भी अपने जहाँ जहाँ पर हैं, वे जितना जैसे संभव हो सके इस कार्य को सफलतम अंजाम दें,
तो हमारा स्नातक करना वो उन लोगों के लिए तो है, वो अपना उपकार मानते हैं। समस्त जन जहाँ पर भी अपन जाते हैं कि आपने बहुत उपकार किया, हमें ज्ञान दिया, ये दिया, बहुत कहते हैं। लेकिन सबसे पहले उपकार है तो वो माँ जिनवाणी का है, और सबसे ज़्यादा यदि लाभ है तो वो हमारा अपना है। हम अपना समय उसमें निकालते हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारक समय है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने समस्त स्नातक साथियों से जो जयपुर से हैं अथवा ध्रुवार्थी हैं, इन समस्त साथियों से कि वे भी ऐसा अवश्य कार्य करें। इस बीच सूचना कहें या जानकारी कहें या सबको प्रेरणा मिले इसके लिए कहें कि निरंतर खांडू कॉलोनी में निरंतर शाम को स्वाध्याय चलता है। ये इसलिए घोषणा कर रहा हूँ, सूचना कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे साधर्मी जन हैं वे भी इसका लाभ लेना चाहें तो अपने व्यापारिक कार्य से, राजकीय कार्य से कभी यहाँ आएँ तो उसका लाभ ले सकते हैं। खांडू कॉलोनी आदिनाथ दिगंबर जैन, आदिनाथ महावीर दिगंबर जैन मंदिर में प्रातःकालीन तो चलता ही है भाई साहब के निर्देशन में, और सायंकालीन स्वाध्याय चलता है, और बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को हमारे समस्त युवा साथियों के लिए कपल पाठशाला चलती है। उस कपल पाठशाला में दश लक्षण महापर्व से आरंभ हुई है और अनवरत अभी तक चालू है उसमें। और ये सब शाम का जो चल रहा है, हमारे आदरणीय रितेश जी भाई साहब ही चला रहे हैं। जब कभी नहीं रहते हैं तो हमारे आकाश जी, संदीप जी उस कक्षा को बराबर मेंटेन करते हैं और लगातार स्वाध्याय क्रम चल रहा है। कपल पाठशाला जो चल रही है वो बेसिक से आरंभ किया है। हमारे समस्त साधर्मी जन हैं वो पति पत्नी दोनों जोड़े सहित वहाँ आते हैं, और वीतराग विज्ञान पाठमाला एक से आरंभ किया है। कल भाभी जी बोल रहे थे कि अभी कुछ पारिवारिक कारण ऐसे रहे और ये कार्यक्रम की व्यस्तता रही, तो पंडित जी साहब रक्षाबंधन का पाठ है उसमें, रक्षाबंधन की राखी बांध के गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो ये उनकी जिज्ञासा है कि अब ये वापस कब आरंभ होगी। तो अगला बुधवार 4 तारीख को, शायद 4 तारीख को, गलत तो नहीं हूँ मैं, 4 तारीख को, 4 तारीख को बुधवार है, और बुधवार को समय या सर्दी की वजह से जिन जिन को दुकान की समस्या थी मैंने व्यक्तिगत संपर्क कर लिया है, 8:15 बजे से 9 बजे तक कपल पाठशाला 4 तारीख से आरंभ होगी। जो भी बाहुबली कॉलोनी के, खांडू कॉलोनी के और जो भी अपने रिश्तेदार हैं आप बच्चों को भेज सकते हैं, जो हमारे युवा साथी हैं उनको इसमें अवश्य भेजें, और बेसिकली वहाँ से आरंभ होगा। साथ ही इस कार्यक्रम की जब से घोषणा हुई तब से कभी आपने आदिनाथ महावीर दिगंबर जैन महाविद्यालय का मंदिर का नज़ारा देखा हो तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई पंचकल्याणक का आयोजन होना हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे नियमित श्रोता हैं आदरणीय सुमतीलाल जी भाई साहब, प्रतिदिन भाई साहब ये 36 जो पाठशाला के बच्चे हैं, 50 हमारे जो महिलाओं का समूह है बहन पूजा जी के नेतृत्व में, बहुत शानदार सप्ताह भर तक सब बच्चों ने ऐसा कि ऐसे कोई पंचकल्याणक का आयोजन यहाँ हो रहा हो, जब इतना उत्साह, इतना उनमें तत्व के प्रति रुचि है तो बस उनको एक मौका मिल जाए तो ये निश्चित रूप से मैं ज्ञायक भाव हूँ उस पर निरंतर दौड़ पड़ेंगे, चल पड़ेंगे। बस एक चिंगारी की ज़रूरत है, फिर अपने आप वह आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने में जिन जिन का योगदान है उनको विस्मृत नहीं किया जा सकता है। भाई डॉक्टर प्रवीण जी, भाई सतीश जी, और यदि किसी का योगदान है तो वे हैं वर्तमान में पढ़ने वाले ध्रुवार्थी। न दिन, न रात, न सुबह, न शाम, जब कभी भी जो भी कहा गया उनके स्तर का हो कि नहीं हो,
हर काम को उन्होंने सफलतम किया है। ऐसे हमारे सभी ध्रुवार्थियों के लिए, जितने भी यहाँ पर ध्रुवार्थी हैं उन सब के लिए, और जिस किसी ने भी कहा हो, ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, जिस किसी ने भी कहा हो उन्होंने उसको हर हमेशा किया है। शायद इस दौरान वो 2 घंटे भी मुश्किल से सो पाए होंगे, रात को 12-12 1-1 बजे तक तो कार्यक्रम, और सुबह 6-6:30 बजे से तो हमारा मंदिर का कार्यक्रम शुरू हो जाता, तो उसके पहले वो जग जाते हैं। ऐसे समस्त ध्रुवार्थियों के लिए हम जितनी भी शुभेच्छाएं व्यक्त करें, बस एक ही इच्छा है, जितना हम करेंगे, जितना हम करेंगे, यही सब हमने किया है। ऐसा नहीं है कि आप ही कर रहे हैं, यही भाई साहब, ये जब भी हम भाई जी के साथ रहे, अभिनंदन जी के साथ रहे, पंडित अभय कुमार जी के साथ रहे, जिस कार्यक्रम में गए रात रात भर तक, आप तो निर्देशक हैं, क्या बताना आपको, लेकिन जो काम जब भी जैसे भी कहा जाता है वैसा किया है। इसलिए जितना हम, जितना दूध में गुड़ डालेंगे, शक्कर डालेंगे, उतना मीठा होगा। जितनी आप तन मन से मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको अपने जीवन में मिलेगी। किसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण, हम अपने परिवार को कैसे धर्ममय संस्कार दे सकते हैं, हम अपने परिवार में बच्चों को कैसे तत्व के संस्कार दे सकते हैं, इसी का एक थोड़ा सा आपको उदाहरण प्रस्तुत करने की भावना रखता हूँ। हमारे विधानाचार्य भाई पंडित अश्विन जी की बेटी ज्ञाता, इनको कंठ पाठ के लिए यदि इस युग में किसी को याद किया जाएगा तो आदरणीय अन्ना जी को याद किया। जैसे कहा जाता है, अंठी का दाम और कंठी की विद्या, ये वक्त पड़ने पर काम आती है। तो ये संस्कार दिए हैं बेटी ज्ञाता को भाई अश्विन जी ने। उनको, उन्होंने शायद मुझे लिस्ट भी दी थी, लेकिन जितना याद है मैं बोलता हूँ, उन्हें तत्वार्थ सूत्र के 5 अध्याय याद है, 6 ढाला के 5 ढाले याद हैं, उन्हें रत्नकरण श्रावकाचार्य की के श्लोक याद हैं, उन्हें सहज जीवन, मेरा जीवन और जो भी बड़े पंडित जी साहब की रचनाएं हैं वो याद हैं। थोड़ा सा यहाँ आपके समक्ष उसका प्रस्तुतिकरण चाहता हूँ। वे शब्द बोलें, यदि हम रत्नकरण श्रावकाचार्य के आगे के शब्द बोलें तो वो पूरी की पूरा श्लोक बोलकर सुनाएगी। ऐसी ज्ञाता बेटी, माइक दे, माइक दे, पंडित जी साहब को रत्नकरण श्रावकाचार्य है, माइक। संग्रहारम्भ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाखंडीनां पुरस्कारोऽयं पाखंडी मोहनम्। ज्ञानं पूजानां कुलं जाति बलवर्धित पूवपु अष्टवाशिष्टमानित्यं स्वमाहुर्गतस्य। ये प्रस्तुतिकरण, अश्विन जी का नाम नहीं बढ़ाना, बेटी का नाम नहीं बढ़ाना है मुझे, मुझे ये बताना है कि हम जब ये बेटी कर सकती है तो इसी उम्र के बच्चे हमारे घर में हैं, हम उन्हें क्यों संस्कार नहीं दे सकते, हम उन्हें क्यों नहीं सीख। करते हों ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन ये जरूर ऐसे संस्कार बेटी ज्ञाता के लिए 201 रुपया। देखो, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, अपन को सीख लेने में ये छोटा है कि बड़ा ये नहीं देखना चाहिए। मैं मेरी बात करूं, हमारे डॉक्टर मनीष जी हैं हमारे साथी मेरठ वाले, मैं उनसे 2 बात
मैंने अनुकरण किया महिपाल जी। नंबर एक, वो जब भी पूजा की सामग्री अमृत जल अपन जल ऐसे लेते हैं, चंदन ऐसे करते हैं, वो हाथ ऐसे करके करते हैं, ये हाथ जोड़ के माने विनय पूर्वक, एक तो मैंने अनुकरण ये किया, और दूसरा वो जब भी गाथा लेते हैं हमेशा प्राकृतिक गाथा सभा को याद कराते हैं, उनको तो याद है ही लेकिन सभा को याद कराता है, और मैंने भी अनुकरण किया। बस ऐसे ही मनीष जी मेरे छोटे हैं, कम से कम 20-25 साल छोटे होंगे जी, फिर भी छोटा बड़ा भी सीखने में छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं दृष्टांत देता हूँ तो ए बेटी से ज्ञाता से भी अपन को सीखना है, अपन भी कंठस्थ करें और अपने परिवार में अपने बच्चों को भी ये आदत डालें, और ये आदत डाली होगी तो आप जब लेटे होंगे बीमार होंगे ना तब आपको वो सुनाएगी गाथा, वो आपका मरण सुधारेगी, और जिसका मरण सुधरा ना अगला भव सुधरा, अगला भव भी सुधारना है ना, बच्चों को एक कंठ पाठ कराओ, कुछ सिखाओ। आप आपको लगता होगा कि आपने इस नववर्ष पर क्यों प्रोग्राम रखा, क्या आपका कोई नववर्ष से नाता है? हमारा नववर्ष से कोई नाता नहीं है। जैसे कहा जाता है घर में जिस दिन मिठाई बनी बच्चों के लिए वो उनके लिए उत्सव होता है, उसे लेना देना नहीं कि उस दिन रामनवमी है कि उस दिन महावीर जयंती है कि उस दिन रक्षाबंधन है कि क्या है, मीठा बना उसके लिए वो उत्सव है। हमारे लिए तो हमारा नववर्ष से हमारा तो नववर्ष है महावीर निर्वाणोत्सव अथवा महावीर शासन जयंती वर्ष, महावीर शासन जयंती वर्ष का जो वर्ष चलता है वो हमारा तो नववर्ष है। लेकिन जगत में इस दिन हमारे कुछ साथी उस कार्यक्रम में न जुड़े, हमारे कुछ साथी हमारे साधर्मी जन उस कार्यक्रम में न जुड़े और उस पाप कार्य में न लगे, इस हेतु हमने एक मार्ग दिया है, एक स्थान दिया है इस ये दिन चुन करके, और सौभाग्य से अगले वर्ष के लिए भी यही दिन बुक हुए हैं, और सौभाग्य से सेम शनि शुक्र शनि और रवि, शनि रवि और सोम रविवार उसमें भी आ रहा है। आपने जैसा कहा था नया काम शुरू करना हो तो नया वर्ष रविवार और पहली तारीख, ये आपने शुरुआत नहीं की है, हजारों साल पहले हुई है जी, इन नव देवता पूजन अपने में जो आई ना हाँ। तब से आई है, क्योंकि लोग विचलित होकर उदय पाप के उदय में अन्य देव के पास जाते थे, तो आचार्य ने सोचा कि अपने यहाँ भी नौ देव, एक नहीं तुम तो एक के जाना, हमारे यहाँ नौ देव हैं, ऐसे नौ देव की पूजन आई है, तो उसमें कोई गलत पद्धति नहीं है, हमेशा आयोजन का प्रयोजन समझना चाहिए, अपन को वहाँ जाते रोकना है और इधर लाना है, ये प्रयोजन है अपना। एक बात, यदि उत्तम से उत्तम कोई कार्य है तो वो आत्मध्यान है, उसके बाद कोई कार्य है तो वह है स्वाध्याय, और उसके बाद कोई कार्य है तो वह तत्व प्रचार पूर्वक स्वाध्याय है। मुझे कई लोग कहते हैं कि स्वाध्याय छोड़ करके आत्मध्यान छोड़ करके कौन से प्रपंच में पड़े हुए हो, कौन से ये संकल्प विकल्प में गांव गांव जाना न, ये करना न, वो करना न, इससे तो अच्छा है कि यही कार्य करते, लेकिन आत्मध्यान तो कर नहीं पा रहे, 2400 घंटे स्वाध्याय नहीं कर पाते। मैं स्वयं अपनी बताता हूँ, आप कर पाते हों तो बहुत बढ़िया है, सभा में बैठे सभी कर पाते हों श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, तो मेरा ये मन करता है कि जितना उपयोग आत्मध्यान के अलावा स्वाध्याय में लगे, स्वाध्याय के अलावा जो समय है वो सारा का सारा समय तत्व प्रचार पूर्वक स्वाध्याय में लगे, इस हेतु मैं स्वयं और मेरे साथियों को भी प्रेरित करके इसमें लगता हूँ, लगाता हूँ, और मेरे साथी
तन मन धन से मेरे साथ लगते हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। और इस ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलते रह करके हमारे तत्व प्रचार में सभी सहभागी बने और इस कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, इस हेतु यहाँ पर अनेक दान राशियों की घोषणा भी हुई होगी, लेकिन मेरे पास कुछ दान राशियों की बात आई थी डूंगरपुर से, पंडित लक्ष्मीचंद जी साहब उनके पुत्र आए थे, उनको मैंने बात की, उनके पुत्र ने मुझे वीडियो कॉलिंग से बात करवाई पंडित जी साहब से कि पंडित जी साहब की ये तबीयत है, उन्होंने मेरे से बात की, उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे याद किया गया, पंडित जी साहब को कि आपने मुझे याद किया। उनकी तरफ से 5100 रुपये की राशि शिविर के लिए प्राप्त हुई है और जिनके साथ उनके पुत्र और उनके साथ मेरे जिया जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से श्री रमनलाल जी और उनके पुत्र अनय जी और सौरभ जी की तरफ से 11000 रुपये की राशि ट्रस्ट के लिए प्राप्त हुई है। हमें भाई साहब का जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है, हम सब में जोश है, लेकिन होश यदि मिलता है तो वो भाई साहब के अमृत महोत्सव, अमृत जीवन, अमृतमय जीवन से, जैसा हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, ठीक ऐसा ही भाई साहब का भी 75वां वर्ष है, तो उनका भी ये जो अनुभव का पिटारा है, अनुभव का जो जीवन है, उसका लाभ तत्व प्रचार में, स्वाध्याय में और हर गतिविधि में उनके जो अनुभवों का लाभ मिलता है, उसी का परिणाम है, उसी का फल है कि हम आज इस स्थान तक पहुँचे हैं। पुनश्च सभी साधर्मी जनों से मेरा एक निवेदन है कि आपके पास यदि मोबाइल हो, अभी कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप मोबाइल अपना खोल लें और आपके पास पेन और कोई स्लिप हो तो वो खोल लें, मैं आपको एक नंबर नोट करवा रहा हूँ, वो नंबर आप नोट करें। सुमती लाल जी साहब का नंबर है, बाहुबली कॉलोनी के जितने साधर्मी जन हैं, खांदू कॉलोनी के जितने साधर्मी जन हैं, उनकी करीब करीब डिटेल उनके पास है, परिवार की संख्या और करीब करीब उनके पास है, लेकिन जितने भी साधर्मी जन हमारे पूरे क्षेत्र के हैं, बांसवाड़ा ज़िले के और बांसवाड़ा ज़िले के दिगर पुनर्वास कॉलोनी और डूंगरपुर और सेमारी, ये इसमें ऐड किए हैं, तो ये साधर्मी जन, मैं नंबर बोलता हूँ सुमती लाल जी साहब का, 9414 1024102113, हिंदी में बोलता हूँ, 9414102113, इस नंबर पर अपने परिवार की डिटेल, कितने सदस्य हैं, वो जो भी आप उनको उनके व्हाट्सएप पर भेज दें, ताकि हमें सुविधा होगी जब हम कोई कार्यक्रम करें तो, यहाँ तो बिठाने की व्यवस्था हम जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं ध्रुवधाम में, चाहे नाश्ते का टाइम हो चाहे भोजन का टाइम हो, उसको अरेंज करने में हमको सुविधा हो, वो हमारे लिए भी तकलीफ देह नहीं हो और आपके लिए भी तकलीफ देह नहीं हो कि पहले जाने वालों को मिल जाए, बाद वालों को नहीं मिले, अन्यथा वो वेस्टेज नहीं जाए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इतना सा निवेदन आपसे है कि वो संख्या आप उन्हें नोट करवा देंगे। और अंतिम निवेदन आप सभी से कि ये जो जितने भी हमारे पास मोबाइल नंबर आ गए हैं, उनका एक ग्रुप बनाकर आप डिलीट मत होइएगा, क्योंकि हम जानते हैं आप अनेक अनेक ग्रुपों में जुड़े हुए होंगे, लेकिन उसकी व्यवस्था ये रखी जाएगी कि गुड मॉर्निंग और दूसरे दूसरे के उसमें से मैसेज आते हैं वो नहीं आएंगे। और यहाँ का जो मैसेज है, अभी तक की समस्या ये रहती थी कि हमारे साधर्मी जन ये कहते थे हमारे पास सूचना ही नहीं है आपके वहाँ कार्यक्रम में, हम कैसे आए आपके वहाँ, और हम ये मान लेते थे कि हमने ग्रुप में डाल दिया तो आ जाएगा, लेकिन वो ग्रुप में ही जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब जब आप ग्रुप में जुड़ गए हैं तो व्यवस्था रहेगी, त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी, मोबाइल फोन भी आपके पास जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज भी आपके पास जाएगा, और यदि पत्रिका छपती है तो पत्रिका भी आपके पास जाएगी,
और हमारी जो मासिक पत्रिका निकलती है उसमें उसके माध्यम से तो आपके पास आमंत्रण आएगा ही आएगा। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपके पास सूचना है और आपके पास नहीं पहुंची, आपके साधर्मी जन के पास सूचना है और आपको पता है कि ये कार्यक्रम है, तो बिना किसी विलंब के और बिना किसी मनुहार के यहाँ आ जाना है। ये आपकी अपनी संस्था है, ये आपका अपना कार्यक्रम है, ये हमारा अपना कार्यक्रम है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक हम घर बैठे, मेरे पास तो उनका निमंत्रण आया ही नहीं, तो नुकसान यहाँ किसी का नहीं होना है, हमारा अपना है, हम उस एक ज्ञायक भाव से वंचित रह जाएंगे। ऐसे आप सबसे हमारा करबद्ध निवेदन है, आपने इन तीनों दिन का जो लाभ लिया और सबसे बड़े आभार प्रकट करने का अवसर, यदि वो मैं नहीं चुराऊंगा, वो मेरा अधिकार भी नहीं है, सबसे अधिक आभार का कोई अधिकारी है तो हमारे वे समस्त भूतपूर्व ध्रुवार्थी हैं जो एक फोन पर 125 में से लगभग 50, कहीं तो हमारे सब परिवार यहाँ पर पधारे हैं। ऐसे समस्त ध्रुवार्थी स्नातक जो यहाँ पधारे, साथ ही साथ क्षेत्र के हमारे जितने साधर्मी जन हैं वो हमारे बीच पधारे और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाया। और अंतिम बात कि इस कार्यक्रम को पूरी जान लगाकर इसमें यदि दम लगाया है तो वो हैं भाई पंडित अश्विन जी, जिन्होंने कैसे ये अच्छे से अच्छा बने, कैसे इसको अच्छे से अच्छा रूप दिया जा सके, हमको ये करना है, ये दोनों विचार करते और बस इसको ऐसे करना है और ये निरंतर इसको अच्छे से अच्छा किया जा सके, वो किया और तत्व से इस पूरे तीन दिनों से सराबोर किया है आदरणीय पंडित रजनी भाई जी जैन और पंडित राजकुमार जी भाई साहब ने, जिन्होंने तीनों दिन, भाई साहब ने एक दिन और आदरणीय भाई साहब ने लगभग लगभग तीन दिन पूरे, इन्होंने अपना पूरा समय दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत उपकारी हैं कि उन्होंने ये अपना समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मुझे ये अवसर दिया, सॉरी, जिनका मुझे खेद है, मैंने बताया कि हमने इस कार्यक्रम को बहुउद्देश्य ही बनाया था, हमारे पंपलेट्स में भी यही बात छपी है, इस कार्यक्रम को एक पक्ष नहीं था, हमें सबको जोड़ना था, इस हेतु ही। कल को आपको लगा होगा, खैर आप तो आप उस राइटिंग में व्यस्त होंगे, लेकिन कल को आपको दिन भर का कार्यक्रम आपने देखा हो यदि तो आपको लगा होगा कि क्या कार्यक्रम रखा है ये, एक बार नहीं लगा होगा आपको भाई साहब? एक बार लगा कि मैं भी निजे खेलने जाऊं। अरे और ऊपर देख रहा था और उस टाइम ऐसा भी विचार आया कि लेडीज जो कुर्सी में बैठने की दौड़ लगा रही है, ऐसी दौड़ स्वाध्याय में लगे तो क्या हाल होगा। दो बात, माने रियल में मैं क्रिकेट भी, माने अपना सिद्धार्थी और गुड़िया दोनों संस्कृत में, मैं वो मेरे दोनों काम चल रहे थे, लिखना भी और सुनना भी सब जी, चल रहा था। दो बार बाकी आके बालकनी से मैंने देखा भी प्रोग्राम, हमने इस कार्यक्रम को और अभी वो क्या है अपने वो है ना खानियादान वाले भाई दीपक, उसने भी इंटरव्यू लिया था, उसने पूछा कि इन नई पीढ़ी को कैसे जोड़ना, मैंने कहा नई पीढ़ी अकेले अध्यात्म से नहीं जुड़ेगी, जी जी, आपको सब माल मिक्स देना पड़ेगा। और जैसे अपन पहरवेश में अपग्रेड करते हैं, खान पान में अपग्रेड करते हैं, मोबाइल में अपग्रेड करते हैं, आपके लैपटॉप में अपग्रेड करते हैं, आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाने के तरीके में भी, पाठशाला में भी, सब में अपग्रेड करना पड़ेगा, तो ही नई पीढ़ी जुड़ेगी। और वो भी जोड़ने का मार्ग है। और जो आपकी कपल शिविर है ना, हमने आज से लगभग 27 साल पहले जी वापी में पहली कपल शिविर लगाई थी, और उस दिन पहले दिन मैंने बोला था 4-व्हीलर गाड़ी में चारों व्हील में हवा सरखी होनी चाहिए, तो ही गाली स्मृति चलती है।
ऐसे घर में एक को रुचि नहीं हो और एक को रुचि हो तो मज़ा नहीं आता। ऐसे फंक्शन में जुड़ते हैं ना। और मैं इस पर और भी बोल दूँ, जैसे कई शास्त्रीय विद्वान हैं, लेडीज़ को लगता होगा कहाँ से पंडित से पाला पड़ा, वो यहाँ आती है ना तो मालूम पड़ता है कि मेरे को हीरा मिल गया। ये माने एक अच्छी बात कि जो वर्ल्ड का बेस्ट काम ये हमारे घर वाले कर रहे हैं तो उसका अनुमोदन मिलता है। इस कार्यक्रम को बहुउद्देश्य इसी रूप में कि जो हमारे स्नातकों की सहधर्मिणियाँ आ रही हैं उन सहधर्मिणियों को भी लगे कि हम वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, नहीं तो वो आज जबरदस्ती आ गई एक दिन अगले कार्यक्रम में वो नहीं आएगी, हमारे भाई को जबरदस्ती भेज देगी जाओ तुम्हारे जाना है मैं तो बच्चों के साथ घर रहूँ, तो वो उनके साथ जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को कुछ न कुछ मिले। वो जो सहधर्मिणी ये तो 5 साल पढ़ा है भाई साहब तब जाके उसकी रुचि हुई है सुनने की, वो तो अभी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल से उसके साथ जुड़ी है, उसको तत्व की कहाँ रुचि है, वो कैसे यहाँ जबरदस्ती नवी हो दी अप्प मत तो भाई साहब सुना रहे हैं तो वो जबरदस्ती कैसे बोलेगी कैसे सुनेगी, उसका मन नहीं लगेगा। इस हेतु उनके लिए चेयर रेस, उनके लिए तत्व के माध्यम से पिछली बार हमने भाई हमारे प्रीतम जी और मेघवीर जी मोक्ष इन्होंने मिल करके प्रोजेक्टर पर ऐसा कार्यक्रम बनाया था और वो उन तक पहुंचाया था, कुछ ना कुछ तो उनके उनके पास जाए, वो सारा इस तरीके का अरेंज था और वही कल का जो हमारा टाइम था वो इसीलिए था। और इसी का एक परिणाम वहाँ पर कॉलेज में जैन पाठशाला चल रही है, 45 बच्चे जो हमारे अभी शिविरार्थी जो आए हुए हैं वही जो हमारे साधर्मी जनों के हैं हमारे स्नातक भाइयों के हैं उन सबके बच्चे वहाँ पर हमारे भाई संजय जी ध्रुवार्थी और भाई नमन दोनों ध्रुवार्थी हैं, वो दोनों बच्चे शायद अभी भी वहीं ले रहे हैं क्लास या आ गए होंगे, वो बच्चे वहाँ पर अपन दो बातों से फ्री हो गए, यहाँ नहीं तो आप बार बार आपकी नज़र जाती है बच्चा बीच में डिस्टर्ब कर रहा है वो मोबाइल की घंटी से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बच्चा यहाँ डिस्टर्ब करता तो होते कि नहीं, तो वो बच्चों का ज्ञान वो हमारे दोनों विद्वान साथियों का उपयोग और उन बच्चों को भी उनकी जिज्ञासा मैं कब ले जाऊँ कब वो पाठशाला में हमको पढ़ने को मिलेगा। और हमारी सभी बहनों को कल के कार्यक्रम में मज़ा आया कि नहीं आया, बहनों को कल मज़ा आया कि नहीं आया, तो ऐसे कार्यक्रम बहुउद्देश्य आप सबके लिए हैं, उन पाठशाला में सभी बच्चों के लिए डॉक्टर भाई संजय जी और नमन के लिए भी बहुत बहुत शुभेच्छाएं कि उन्होंने उन बच्चों को, ये बच्चे आ गए ना सब, ये सब आ गए पाठशाला में पढ़े हुए बच्चे, तो ऐसे घर का वातावरण हमारे परिवार का वातावरण हम बनाएं और ऐसे तत्वमय वातावरण बना करके और निरंतर जैसे वो रेगिस्तान में एक सांप घूम के जाता है और वो वापस आता है ना, वैसा कुछ है ऐसा एक उदाहरण है। नॉर्वेल वनस्पति होती है, जब सांप और नवला दोनों की लड़ाई होती है तो सांप वो नॉर्वेल वनस्पति सांप उसके साथ वहाँ ले जाता है, नॉर्वेल वहाँ ले जाता है नोड़ी, आप तमाम हमारे नोड़ी होते हैं उसमें सांप दंश मारता है तो उसको चेयर करता है, उसको लेकर जमकर जाता है, सांप थकता है नौरिया जीता है। आप समझ गए होंगे मेरे उदाहरण मात्र है वो, तो ऐसे जब आपको लगे कि हम तक में थोड़े ढीले पड़ रहे हैं तो 2 महीने में 4 महीने में इस ध्रुवधाम की धरा पर आ जाना और यहाँ से पूर्ण फिर रिचार्ज हो करके अपने वहाँ जाना और फिर उस गति से चलते रहना। हम प्रयास करेंगे कि हर 2 महीने 4 महीने में कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करें और आप यहाँ रिचार्ज होते रहें। आपने मुझे अवसर दिया इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय मां। अभी भी कुछ हिम्मत है
बना लो थोड़ी और अंतिम है। अभी कुछ दान राशियाँ भी यहाँ पर बोली गई थी श्रीमान लक्ष्मीचंद जी की ओर से 5100 रुपये, गुप्त दान में भी हस्ते पुष्पन भाई बांसवाड़ा इनकी ओर से 15000 रुपये आए हैं, गुप्त दान में हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी गुप्त होंगे उनको धन्यवाद। 11000 रुपये हमारे जिन्होंने एकदम अल्पकालीन निवेदन पर ही झंडारोहण जिन्होंने किया, ऐसे हमारे श्रीमान कमलेश भाई जी बड़ौदिया, उन्होंने 11000 रुपये की राशि प्रदान की है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं ने 1100 रुपये ध्रुवम पाठशाला के लिए भी दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाल कक्षा में दो नाम अभी बोले गए थे जिन्होंने ली है, संजय जी सिद्धार्थ जी नमन जी और एक और नाम है जीवेश जी, इन्होंने भी बाल कक्षा ली है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैना बहन खांडू कॉलोनी, इन्होंने भी 1100 रुपये की राशि प्रदान की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी जो भी महिला मंडल के नाम आए थे जिनमें श्रीमती पूजा जी सुनील जी साहब हैं, इसके अलावा 4 महिलाओं के नाम और मैं कहना भूल गया जिनका विशेष रूप से सहयोग उस मंडल में रहता है, श्रीमती समीक्षा जी रोहित जी शास्त्री ध्रुवार्थी, जो बहुत मेहनत करते हैं पूजा जी के साथ में लगातार अनेक अनेक गतिविधियों में। सुरेश जी सोगानी, विधान आमंत्रण करता में सुरेश जी सोगानी, हाँ, जो इंदौर वाले, उन्होंने 21000 रुपये की राशि की घोषणा की है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ महिला मंडल में 3 नाम और, श्रीमती मयूरी जी शीतल जी ज्ञायक, जिनका बहुत योगदान महिला मंडल में रहता है, श्रीमती प्रियंका जी संदीप जी शास्त्री और श्रीमती प्रतिभा जी जितेंद्र जी अरिहंत मेडिकल, उनका भी योगदान रहता है, उन सभी को धन्यवाद। आज जो सुबह ऊपर घोषणा की ना अगले शिविर के आमंत्रण के लिए, जिन्होंने 5 नाम हमारे पास आए हैं, श्रीमान प्रमोद जी साहब, श्रीमान सुमतीलाल जी साहब का नाम उसमें अगले आमंत्रणकर्ता के रूप में, विपुल जी प्रकाश जी इंद्र प्रकाश जी सागवाड़ा, श्री डॉक्टर संजय जी शाह प्रतापपुर और धनपाल जी देवड़िया अर्थुना, ये 5 नाम आए हैं। इसके अलावा 5100 रुपये की राशि में भी अनेक नाम हमारे पास हैं, जितेंद्र जी साहब, चंदूलाल जी साहब, बदामी लाल जी, आशीष जी, भरत जी, मनसुख लाल जी, और महिला मंडल की ओर से आकाश जी शास्त्री, जय कुमार जी शाह, धर्मेश जी शास्त्री, निमेश जी शास्त्री, राकेश जी शास्त्री दाहोद और निशान जी शास्त्री, इतने लोगों के नाम आए हैं। यदि और भी कभी किसी का मन बने तो बाद में भी आप अपने नाम जरूर लिखा सकते हैं, बस एक और इनको सभी को हमें जानकारी देना जिन्होंने नाम लिखाए हैं, ये अपने फ़ोन नंबर, क्योंकि नाम तो हो गए लेकिन संपर्क कैसे करें, तो वे सभी अपने फ़ोन नंबर हमें दे दें, तुरंत दे दे दें तो अच्छा है, और नहीं तो एक नंबर, जैसे अभी आदरणीय सुमतीलाल जी साहब का नंबर आपको दिया था, उस नंबर पर आप अपना नाम और फ़ोन नंबर मैसेज कर दें, जिससे हमारे पास नंबर और नाम दोनों आ जाएंगे तो हम आपसे संपर्क कर सकेंगे। और अब चलते हैं समापन के दूसरे राउंड में, कितने राउंड होना है अभी तो एक राउंड, कई लोगों को लग रहा होगा कितने अभी राउंड चलने वाले हैं, फील्डिंग फैला लें, नहीं नहीं बस ये पुरस्कार बच्चों को पुरस्कार देना है, और हमारे ध्रुवार्थी जिन्होंने नाटक की प्रस्तुति की उसके लिए, और साथ में जो बच्चों की जो पाठशालाओं में जिन्होंने पाठशाला में गए अटेंड की और उन्होंने अनेक गतिविधियों में भाग लिया यहाँ पर नृत्य के द्वारा मंगलाचरण के द्वारा, उन सबको भी पुरस्कृत यहाँ से किया जाएगा। और एक खास जो हमारे ध्रुवधाम के विद्यार्थी शास्त्री वर्ग, ये पिछले वर्ष शिखर जी में जिन्होंने सहयोग दिया था और इस बार गिरनार जी में जाकर बहुत मेहनत की और उनकी प्रशंसा फीडबैक के रूप में मुझे भी मिली है
और आदरणीय महिपाल जी भाई साहब को भी कि ध्रुवधाम के विद्यार्थियों का हर एक ने नाम लिया कि बहुत मेहनत करके वहाँ गिरनार शिविर में सहयोग उन्होंने दिया है, इसलिए उनको श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जयंती सुरक्षा ट्रस्ट इसके द्वारा हर एक विद्यार्थी को जो वहाँ पर गए थे 3,500 को हर एक को अलग अलग सबको राशि प्रदान की जा रही है। निवेदन है इस सभी विद्यार्थी, चलिए आ जाइए भाई। हाँ जी श्रीमान पंडित जी साहब हैं, सोलह विद्यार्थी थे उन सभी के लिए एक साथ यहाँ से प्रदान कर रहे हैं, ये आपस में ले लेंगे। और बालकों के लिए जो और पुरस्कार हैं, श्रीमती पूजा जी यहाँ पर आ रही हैं और उनको भी पुरस्कृत यहाँ से किया जाएगा। हाँ जी आइए पूजा जी। बच्चे भी जितने यहाँ बैठे हुए हैं जल्दी से शीघ्रता से यहाँ पर आ जाएं। पुण्योदय हो पापमयी तब सारी संपत्ति जाती, जो है शाश्वत सुख स्वयं संपदा, केवल वह ही रह जाती। अतः विचारो कुछ तो भविजन, अतः विचारो कुछ तो भविजन, क्यों समय व्यर्थ ही खोते हो। त्याग करो पाने से पहले, त्याग करो पाने से पहले, ऐसा निर्णय शीघ्र करो, ऐसा निर्णय शीघ्र करो। यह जो 3 दिवसीय रत्नत्रय विधान का आयोजन बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया, इसके लिए मैं इस मंच से समस्त आयोजकों का, समस्त स्नातक वर्ष का और समस्त महिला मंडल का, सभी साधर्मी मुमुक्षुओं का और विशेष रूप से हमारी ध्रुवम पाठशाला के बच्चों का साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन प्रस्तुत किया। अब मैं बच्चों से अनुरोध करूँगी कि वे फटाफट आए और अपने अपने इनाम लें। अवनी जैन, अवनी केवली, साध्या, काव्या, रूही, विदित, दीर्घ, ध्रुव, पर्व, आरुष, शुद्धि, शिवांग, आव्या, पाश्वी, गाथा, केवली, नव्या, सिद्ध, अन्वय, अनाया, मोक्षी, धीम, आरव, रयन, अदित, धैर्य, सहज, निवान, ध्यानम, तानी, आरव, काव्या, विहान, श्रुत, आरवी। इस तरह से 36 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञाता और वैदी आ जाइए बेटा। सारे बच्चे एक साथ यहाँ पर आ जावे मंच पर, उनकी यहाँ पर एक साथ फोटो खींच रही है। और ध्रुवार्थी हमारे जिन्होंने नाटक में भाग लिया है वे सारे ध्रुवार्थी यहाँ पर मंच पर आ जावे, उनको भी यहाँ से पुरस्कृत किया जा रहा है। ओहो अरे कोई बात नहीं। हाँ जी बैठ जाइए। एक दो मिनट। वैसे तो मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि मेरी सारी जवाबदारी और मेरी सारी जिम्मेदारियों से मुझे मुक्त कर दिया है आदरणीय विद्वान पंडित श्री रितेश जी शास्त्री जी ने, और स्नातक परीक्षा का जो संयोजन पूरा उन्होंने अपने लिए संभाल लिया है। और छोटी से छोटी बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, कौन किसके लिए क्या अधिकारी है, सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त उन्होंने कर ही दिया है। मैं तो आदरणीय रजनी भाई जी के प्रति
और स्नातक प्रतिशत के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं मेरे अपने परिवार के लिए, क्योंकि संस्था की जवाबदारी तो स्नातक परिषद ने संभाल ली है और मुझे निर्भर कर दिया है। अब आगे से मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं मान करके सारी जिम्मेदारी और स्नातक परिषद के संयोजक और पूरे परिषद को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से इस कार्यक्रम के लिए जितना उत्साह और जितना संयोजन उत्कृष्ट ढंग से किया है, आगे के सारे कार्यक्रम उसी प्रकार से करेंगे। आपकी हर सुविधा के लिए हमारा परिवार पूरा पक्का ध्यान रखेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और दूसरी विशेष बात, सभी विद्युत परिषद के प्रति भी मेरा आभार। आदरणीय विद्वान पंडित श्री नानावटी जी साहब, अश्विन नानावटी, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा पूरे देश में जिस तरह से वे बड़े आयोजन करते हैं, यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का ध्यान रख करके इस कार्यक्रम को बहुत सुंदरता से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति बहुत बहुत आभार। सभी जो निमंत्रण करता, आयोजन करता इसके थे, उनके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। और विशेष करके अब मेरे परिवार की जो जिम्मेदारी रजनी भाई जी ने ली है, मेरे चारों पुत्र वीरेंद्र की जवाबदारी ले ली, मुकेश की ले ली है और शीतल की ले ली है, श्रांश की ले ली है, उसके साथ में उनके परिवार के बच्चों की उन्होंने ले ली है। इसलिए अब मुझे तो कहाँ जाना चाहिए, हाँ मुझे तो अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाना चाहिए, ऐसा उनका मुझे निश्चित रूप से रहता है और मुझे निर्भर किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं पंडित रितेश जी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आपका जो क्रम है 3-4 महीने जो कार्यक्रम होना है उसको बराबर बनाए रखें, मेरे पास में अगले कार्यक्रम का आमंत्रण करता तैयार है आपके पास में। 3-4 महीने में जो आप कार्यक्रम करते हैं वो इतने ही सुंदर ढंग से नानावटी जी के साथ मिल करके, और अपने को 3-4 महीने बाद कोई भी अच्छा कार्यक्रम आप रख लीजिए, उसके आमंत्रणकर्ता का नाम मेरे पास में तैयार है, उसकी तरफ से वो पूरा कार्यक्रम होगा। आप निश्चिंत होकर के बहुत सुंदर कार्यक्रम 4 महीने के अंदर अंदर नया बना लीजिए, फिर अपन इस बारे में विशेष चर्चा फिर से करेंगे। जय जिनेन्द्र।